नमस्कार, न्यूज आज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ राशि निगम। भाजपा युवा मोर्चा ने कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ पाकिस्तान में किए गए बर्ताव पर विरोध दर्ज कराया है। भोपाल में भाजपा युवा मोर्चा ने पाकिस्तानी एम्बेसी को जूते भेजते हुए कहा कि अगर उन्हें जूतों की और ज्यादा जरूरत है तो भाजपा युवा मोर्चा उन्हें और जूते भेज सकता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान जेल में बंद कुलभूषण जाधव से उनकी माँ और पत्नी मिलने गई थी। कुलभूषण से मिलने से पहले दोनों की चूड़ियां, मंगलसूत्र समेत अन्य सामान उतरवा लिए गए थे। यही नहीं, पाकिस्तानी मीडिया ने भी उनके साथ काफी दुर्व्यवहार किया था। मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा आज यहां पर प्रदर्शन कर जो कुलभूषण जाधव जी के साथ उनकी पत्नी और उनकी माता जी के साथ जो दुर्व्यवहार पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने उनके सामने उनकी माता और उनकी पत्नी को एक विधवा स्वरूप में पेश किया है। उनके मंगलसूत्र, उनकी टिकली, बिंदी, सारी चीजें उतारी गई हैं, साथ में उनके जूते तक उतरवा दिए गए हैं। इन जूतों के विरोध में जिस प्रकार का जो गलत घटना जो पाकिस्तान ने की है, जिस तरह का दुर्व्यवहार भारतीयों के साथ किया है, युवा मोर्चा भारत के सम्मान में, युवा मोर्चा मैदान में हमने ये जूते वहां पर जो उनके उच्चायुक्त हैं ऐसे अब्दुल भासिद जी को हमने यहां से जूते भेजे हैं। पाकिस्तान में हो सकता है जूतों की कमी हो गई होगी, लेकिन मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं अब्दुल जी से कि आपको जितने जूते चाहिए आप युवा मोर्चा मध्य प्रदेश को बताइए, उतने जूते पाकिस्तान भेजे जाएंगे। लेकिन भारतीय के अपमान को कभी भी युवा मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे भारतीय माताओं का अपमान पाकिस्तान ने किया है, उसके विरोध में मध्य प्रदेश युवा मोर्चा आज वहां के उच्चायुक्त को हम जूते कोरियर कर रहे हैं और उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि इन जूतों को जरूर रखिए, आवश्यकता पड़े तो और मंगा देंगे, लगेगा बता देना तो और बुला देंगे, जितने जूते कहोगे उतने पाकिस्तान जरूर भेज देंगे। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। प्रदेश भर से आप कहेंगे तो जूते कलेक्ट करके भिजवा दूंगा और मैं ये जूते कोरियर के माध्यम से अभी यहाँ से कोरियर हम करने वाले हैं और कोरियर के माध्यम से जूते हम पाकिस्तान भेजने वाले हैं। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ आज के साथ।